दोस्तों नमस्कार। मैं अपनी पिछली वीडियो सिंह पतन में पार्ट वन में कुछ दवाइयों का जिक्र किया है सिंह पतन के लिए, और अगर हमारा पिछली वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख सकते हैं। आज मैं पार्ट टू में ऐसी दवाइयों का जिक्र करने वाला हूं जो सिंह पतन की मतलब एडवांस स्टेज में दी जाती है। एडवांस स्टेज का मतलब है रोगी मानसिक और शारीरिक रूप से कितना कमज़ोर हो जाता है कि वो फीमेल को देखते ही उसका शीघ्र पतन चालू हो जाता है, और ये वास्तविकता भी है। और ये भी बताएंगे कि बीज पतन से ज़्यादा अगर बीज शरीर से निकल जाता है तो शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। आप YouTube पर वीडियो देखते होंगे, कुछ लोग बता रहे हैं कि ये दवा जो है 4 बूंद आप बिस्तर पर जाने के पहले ले लो, आपकी सारी सेहत समस्याएं दूर हो जाएंगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि होम्योपैथी के ए मदर टिंचर 4, 5 नहीं 7, 8 एक साथ मिलाकर ले लो तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। क्या वास्तव में होम्योपैथिक में ऐसा कोई जादू आ गया है? मैंने अपने 35 साल की प्रैक्टिस में ऐसा तो मैंने नहीं देखा। अगर आप लोगों को इससे कुछ फ़ायदा हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में अवश्य मुझे लिखिएगा। और ये दो दवाइयाँ जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसमें रोगी को फीमेल को देखते ही उसका सिख पतन होता है। ये कौन सी दवाइयाँ हैं? पहली दवा मैं जिसका जिक्र करूँगा जो सिख पतन की एडवांस स्टेज की दवा मानी जाती है होम्योपैथिक में, है ये सेलेनियम है। पहले इसका लक्षण जान लीजिए कि रोगियों के लिए सेलेनियम सूटेबल होता है। अब इसका रोगी अगर है तो वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। एक कमज़ोरी उसको सेक्सुअल एक्टिविटी, एक्सेसिव सेक्सुअल एक्टिविटी के कारण होती है। शरीर मतलब बहुत ज़्यादा उसका बीज नाश हो जाता है और इतना कमज़ोर हो जाता है कि थोड़ा सा शारीरिक श्रम अगर कर दे तो एकदम उसकी ऊर्जा खलास हो जाती है और पड़ जाता है बिस्तर पर। सेक्स के बाद भी वो इतना कमज़ोर हो जाता है कि घंटों पड़ा रहता है। और इसमें सेक्सुअल वीकनेस इतना होता है कि इरेक्टेशन जो है धीरे धीरे होता है और इनकम्प्लीट होता है, और जल्दी ही प्री एजुकुलेशन हो जाता है, शीघ्र पतन हो जाता है। रोगी का चेहरा, उसके हाथ और जांघ सूखने लगते हैं, सर के बाल गिरने लगते हैं। अगर रोगी 35 साल का है तो आपको 45 साल का लगेगा। वो प्री मच्योर एजुकुलेशन ही नहीं, वो प्री मच्योर ओल्ड एज में ही चला जाता है, और उसके लिए सेलेनियम बहुत ही अच्छी दवा है। सेलेनियम 200 देने से रोगी को नवजीवन मिल जाता है। दूसरी दवा जो हम बताने जा रहे हैं वो है एक कैलेडियम। विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर केंट का कहना है कि यह बेबिचारियों की दवा है। बेबिचारी किसे कहते हैं तो आप जानते ही होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा सेक्स और तंबाकू, ज़्यादा से ज़्यादा तंबाकू की पॉइजनिंग के वजह से ये समस्या आती है, और ज़्यादा सेक्स करने से समस्या आती है। रोगी का सीमेन देखते ही किसी फीमेल को निकल जाता है। खाली सीमेन ही नहीं, वो उसके चलते चलते बैठने पर और टॉयलेट में जाकर के जोर लगाने पर भी उसका प्रोस्टेट फूड निकलने लगता है। प्रोस्टेट फूड एक प्रकार का धात मान लीजिए, जो अपनी भाषा में आप कह सकते हो, तो इतना वीक होता है इसका। ये एकदम कामुक होता है, पूरा दिल दिमाग कामुकता से भरा रहता है। रोगी कॉर्नर पर खड़ा होकर के फीमेल को, लेडीज को देखता रहता है। इतनी कामता होती है लेकिन ये एक्टिविटी नहीं कर पाता। क्रेविंग ऑफ अपोजिट सेक्स बट नो एबिलिटी, मतलब
भूख बहुत होती है शिष्य का, लेकिन क्षमता नहीं होती, एक कैलेडियम है। दोस्तों देखिए आप दोनों में कितना अंतर है, सेलेनियम और कैलेडियम में कितना अंतर है, किस रोगी को सेलेनियम दिया जाए और किस रोगी को कैलेडियम दिया जाए, आप समझ सकते हैं। अगर इसको एक साथ मिलाकर हम दें तो क्या होगा, फायदा होगा या नुकसान होगा। मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है, आप सही चीज़ समझें और सही दवा लें। ऐसा नहीं कि आप वीडियो में देख करके किसी मेडिकल स्टोर में जा करके दवा खरीद कर खा रहे हैं। हमारे डिस्पेंसरी पर पेशेंट आता है, 3-4 मदर टिंचर लेकर आता है, नूफियर लूटियम है, डामियाना है, इम्नासटाइबा है, कहते हैं सर ये मैंने यूट्यूब पर देखा, इसको सब मिलाकर खा रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। ऐसा होम्योपैथिक में नहीं है। होम्योपैथिक में जो है व्यक्ति विशेष के लिए एक विशेष दवा होती है, उसका लक्षणों के हिसाब से दवा दी जाती है, बहुत से बहुत एक और उससे अधिक 2-3 दवा आप दे सकते हो। ऐसा नहीं कि 5-6 दवाई एक साथ मिलाकर आप दे दो, ये होम्योपैथिक में कोई नियम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों हमारा ये वीडियो देखने के लिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू वाली घंटी को दबा दीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो।